हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका और एक नई सुबह के साथ गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और हम आए हैं अभी नोएडा के टेड शो में, और जिसमें हमारे भाई अभी दिख रहे होंगे आपको। अयोध्या से, ये देखिए अयोध्या से हमारे भाई हैं। क्या नाम है आपका? आलोक वर्मा। आलोक वर्मा आए हैं और ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं अयोध्या से, जो हमारी अभी राम मंदिर की नगरी है अयोध्या। और ये हमारे ऋषभ सिंह इलेक्ट्रिकल से सुल्तानपुर से, और ये हमारे हैं दुबे, यानी अपन मोहित दुबे, ये सुल्तानपुर से हैं मैकेनिकल इंजीनियर। और हम लोग सब लोग ट्रेड शो, जो इंटरनेशनल ट्रेड शो ऑर्गेनाइज किया गया है उसके लिए आए हैं हम लोग नोएडा में। तो अभी गाजियाबाद पॉलिटेक्निक में हम लोग यहाँ पर हैं। तो अभी क्या ये आपको हॉस्टल वगैरह दिख रहा होगा, अभी मैं दो तीन दोस्तों से आपको और मिलाता हूँ। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको दिख रहे होंगे, ये हमारे लेदर डिपार्टमेंट से हैं, हमारे उन्नाव से शिवम गुप्ता जी और मेरा फ्रेंड। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक नए व्यू की ओर। ग्रेटर नोएडा के ट्रेड शो में इंटरनेशनल ट्रेड शो है, जो अभी हमारे सीएम एंड द्रौपदी मुर्मू ने अभी इसको रिलॉन्च किया है। ये करीबन 5 दिन का है, 21 सितंबर से 25 सितंबर तक का। और अभी देखिए यहाँ पर विभिन्न क्लासेस, यानी कि विभिन्न विद्यालयों से टॉपर्स की जो लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग पर कॉलेज से 2 स्टूडेंट लिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, हर कॉलेज से अलग अलग बंदा आया हुआ है। और हमारे कैमरामैन सर, अभी मैं आपको मिलवाता हूँ इनसे, अभी सभी से बात कराता हूँ आपकी। तो आप कौन से सर, किस कॉलेज से हैं? ये सर बदायूं से आए हुए हैं, देखिए। और अब बदायूं से आप आए ना? यस सर। और आपके HOD वगैरह साथ में आया कोई? यस सर, मैं टीचर हूं। आप सर कहाँ से? बदायूं से। बदायूं से ये भी आए हुए हैं, ये दो लोग आए ना। आप कहाँ से? मैं आया हूँ अलापुर से। अलापुर से अकेले आए हो आप? दो लोग। अच्छा अच्छा, तो आप आना मेंशन, ठीक है। आप भाई कहाँ से आए हो? मैं अलापुर से आया। अलापुर से आप दो लोग हो ना? आप भाई? अब किस ट्रेड से हो आप? फर्टिलाइजर। आप किस? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ये भाई इलेक्ट्रिकल से हैं और वो फर्टिलाइजर से हैं। और आप किस ब्रांच से? पेंट टेक्नोलॉजी से हैं, डिप्लोमा ऑफ पेंट टेक्नोलॉजी। देखिए अलग ब्रांचेस के लोग हैं और अलग अलग नॉलेज है यहाँ पे। आप किस ब्रांच से? इलेक्ट्रिकल से हैं ये। आप भाई? इलेक्ट्रिकल। ये इलेक्ट्रिकल से हैं। तो इलेक्ट्रिकल देखिए फ्रेंड्स, में आपस में ही 240 वोल्ट साथ में होता है तो फिर 440 वोल्ट बन जाता है। आइए अब हम मिलते हैं अपने सुल्तानपुर के किंग से, बहुत अच्छा फ्रेंड है ये। और ये इलेक्ट्रिकल से, क्या नाम है भाई आपका? ऋषभ सिंह। ऋषभ भाई हमारे सुल्तानपुर से हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है इन्होंने। ट्रेड किससे? इलेक्ट्रिकल। और ये बहुत अच्छा ट्रेड का परफॉर्मेंस रहा है। किसमें? किस ब्रांच से आप? मैकेनिकल से। तो आपके सुल्तानपुर से इलेक्ट्रिकल से और मैकेनिकल से 2 स्टूडेंट आए हुए हैं। मैं नाम पूछूंगा, ठीक है? बाकी चलिए, बहुत अच्छा बात है। तो भाई ये बलरामपुर से आए हुए हैं, आप किस ब्रांच से भाई? ये सिविल से हैं और ये मैकेनिकल से। ये हमारे फ्रेंड, देखिए सिविल और मैकेनिकल का एक अलग सा अटैचमेंट बना के रखा हुआ है इन लोगों ने, बलरामपुर से आए हुए हैं। अब हम ले चलते हैं एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, पूरनपुर, बहुत ही करीब से आए हुए हैं। क्या नाम है भाई आपका? पटेल जी। तो ये हमारे सिविल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल से। और आप किस हैं? बलवीर गुप्ता जी हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं और इन्होंने भी अपने कॉलेज में बहुत। और ये हमारे हरदोई से आए हुए हैं और ये शुभम, ये हमारे शुभम भैया हैं लेदर डिपार्टमेंट से। कहाँ से भैया? उन्नाव से। तो मेरे प्यारे दोस्त, अभी मैं मिलाता हूँ आपको मोहम्मदी से आए हुए हमारे फ्रेंड सिविल इंजीनियर, और ये CS से हैं। और भाई क्या, और कहाँ से आप? मोहम्मदी से हैं। और ये हमारे फ्रेंड हैं CS से, इन्होंने भी काफ़ी एक्सपीरियंस बताया है यहाँ पे IT से रिलेटेड। और अभी मैं ले चलता हूँ अगले आपको ग्रुप के पास, यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स आए हुए हैं अपने HOD के साथ, ओनली 2 स्टूडेंट्स। हेलो भाई, कहाँ से हो आप? श्रीवस्ती से। कौन सी? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल से श्रीवस्ती से आए हैं ये। और ये हमारे फ्रेंड, क्या नाम है भाई? माजिद अंसारी। किस ब्रांच से आप? CS। ये CS से। और भाई आप कहाँ से? बाराबंकी से। किस ब्रांच से? बाराबंकी से आए हुए हैं ये हमारे इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, इन्होंने भी काफ़ी एक्सपीरियंस दिया है। कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप के इंजीनियरिंग के जो हम लोगों के ब्रांचेस हैं उनसे मिलकर हम लोगों ने एक नया एक्सपीरियंस लिया है। किसी को इलेक्ट्रिकल में अच्छा आता है तो किसी को केमिकल में। और हमें CS में कौन कौन सी ब्रांच इस टाइम CS की जो ब्रांच है वो टॉप पे चल रही है, तो कैसा आपका मतलब कैसा क्लासेस वगैरह सब अच्छे चल रहे हैं? क्लासेस बहुत अच्छे चल रही हैं। आने के बाद जो क्लासेस चल रही थी अब वो भी रेगुलर चल रही हैं।
और आपको लैंग्वेज वगैरह कौन कौन सी मतलब लर्न कर ली है आपने? हमने तो जो मेरे कोर्स में वो तो मुझको आती है, लेकिन हमको एक्सेप्शनल भी लैंग्वेज आती है, जैसे लारावेल आती है। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि हम लोगों ने कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सुनी भी नहीं होंगी, वो भी उन्होंने तैयार कर रखी है। चलिए हम चलते हैं अगले ग्रुप के पास। आपका कौन सा ब्रांच है भैया? ये मेरा फ्रेंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, ये मेरा फ्रेंड, और ये आपको ये GPL से आए हुए हैं भाई, इन्होंने भी बहुत सारा एक्सपीरियंस दिया है। और अभी मैं ले चलता हूँ दूसरे ग्रुप की तरफ, यहाँ पे अलग 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 डिस्ट्रिक्ट से आए। लोगों ने देखा कि हमारे हर कोई कार्यन भाई थे, कुछ लोगों को वो पूछे उनसे और कुछ जानकारी प्राप्त की। अभी हम आपको बताते हैं कि हमारे भाई साहब कहाँ से आए हुए हैं, आप कहाँ से, कौन से कॉलेज से हैं? आप बाराबंकी से हैं, आपका ग्रेड क्या है? सिविल ट्रेड से। आपको अच्छा लगता है सिविल डिप्लोमा के लिए एक प्रॉपर ब्रांच के रूप में है, आप बताइए आप कौन से कॉलेज से हैं? बाराबंकी आपका ब्रांच क्या है? इलेक्ट्रिकल देखिए हमारे मतलब घर में होने वाले संपूर्ण कार्यों को संपादित करने के लिए इलेक्ट्रिकल बहुत जरूरी है, तो ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है हमारे बाराबंकी से है। बाराबंकी से है, आप कौन से ब्रांच से हैं? मैकेनिकल। चलिए आप एक ऐसा मशीन तैयार कीजिए, मतलब इंजीनियर का प्रॉपर वे होता है कि कुछ निर्माण निकलना है, ना कि जॉब पाना है, एक निर्माण निकलना ताकि हम अपने देश को कुछ दे सके। इंजीनियर का प्रॉपर मतलब यही है कि हम निर्माण कर सके। आप कौन से कॉलेज से किया? बाराबंकी से। आपका ग्रेड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए आप ये आपका क्या ग्रेड? इलेक्ट्रॉनिक्स पे कंपोनेंट्स। मोबाइल के बारे में मतलब हमारे टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में इनका भी बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो गाइड तो शशांक भाई ने हमारे देखिए कितना अच्छा बताया, यहाँ पे मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का, और यहाँ पर आप किससे हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स से। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच जो है अभी क्या है कि अभी ट्रेंड में चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी CS भी ट्रेंड में चल रही है। अभी क्या है सेमीकंडक्टर हब जो हमारे PM ने भी बनवाया हुआ है, तो उसमें क्या है अभी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, हर किसी प्रकार की हर ब्रांच की अप डाउन चलता रहता है। तो इसमें क्या है मैकेनिकल प्रोडक्शन में भी कई ब्रांचेस होती है ना भाई? हाँ, इन्होंने हमको बहुत सारा एक्सपीरियंस दिया है कि कैसे क्या हम लोग एक नए वे में कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं अलग ब्रांच में, और हमारे साथ अभी शशांक भाई जो अभी वीडियो बना रहे हैं। रुक जा रुक जा, बैठ के बैठ के आराम से। शशांक भैया शशांक भैया बैठ के बैठ 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 के आराम से। देश को एक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए सिविल ट्रेड जो है वो बहुत ही जरूरी है। अभी देश के विकास में दो ब्रांच टॉप पे चल रही है, सिविल और CS। CS से हमारा टेक्नोलॉजी बहुत ही मजबूत हो रहा है, इसका ग्रेज बढ़ रहा है। केमिकल इंजीनियर बहुत अच्छा है, केमिकल इंजीनियर बहुत, केमिकल भी बहुत अच्छा है भाई। कहाँ से हो आप? कौन से कॉलेज से हैं? बरेली से हैं। आ जाओ बैठ, बताइए कि आपका कौन सा ट्रेड है? इलेक्ट्रिकल से। बहुत सारे लोग काफ़ी इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा हैं। शाहजहाँपुर के रहने वाले बरेली में हैं। आप आपका कौन सा ट्रेड है? इलेक्ट्रिकल है। चलिए बहुत बढ़िया है, इलेक्ट्रिकल आपका, ये भी बरेली से हैं। आप बताइए ये भी बरेली से। किस ब्रांच से हो भाई? मैकेनिकल। मैकेनिकल ब्रांच। चलिए अब हम लोगों को एक अच्छा सा मैकेनिकल का एक प्रारूप तैयार करके हमें सपोर्ट कीजिए और दिया। बैठ के बैठ के आराम से। कॉलेज कौन सा है आप लोगों का? बलरामपुर और गोंडा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बलरामपुर और गोंडा से आए हुए हैं, ये हमारे तीन जाने माने विद्यार्थी हैं। आपको अयोध्या से आए हुए हैं, जहाँ राम का नगरी है। हाँ, और एक भव्य रूप से भारत के लिए तैयार हो रहा है। बहुत बढ़िया। कुछ सालों से पहले से अटका हुआ था वो मामला फिनिश होकर, अब 2024 में उसका निर्माण क्या बताना है? आप कौन से कॉलेज से हैं? जगदीशपुर अमेठी से हैं। ये पेंट टेक्नोलॉजी है। ये पेंट टेक्नोलॉजी से आए हुए हैं भाई हमारे। कहाँ से? इसी पूर्व पहले। ठीक है, तो आप हाँ बोल दो बोलो। आप लोगों को देखिए सभी ट्रेडों एवं कॉलेजों को नाम एवं ब्रांच के नाम बारे में पता चला, तो आप लोगों को मैं अभी लंच करने जाऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग बैठ के लंच करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड शो जो लगा हुआ है, तो वहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में हमारे उत्तर प्रदेश के CM जो हैं वो योगी जी हैं, और उनके सम्मान में द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारे प्रेसिडेंट वर्तमान में हैं वो भी आए हुए हैं, तो उनसे मुलाकात होगी। आप लोगों के वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग उनसे भी मिलाएंगे कि किस तरह हम लोग मिलते हैं। ये हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं जो कि हरदोई से आए हुए हैं। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्त ने अभी आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया, यहाँ पर हमने देखा है
कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे अपने जो कॉलेज का एक यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आपके कॉलेज को प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि हर बंदा चाहे वो हंस रहा हो या खेल रहा हो, लेकिन उसने अपनी स्टडी को एक अलग लेवल पर रखा है। किसी भी यहाँ पर जितने भी बच्चे आए हैं वो कॉलेज से सेलेक्ट किए गए होंगे, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ उम्मीद से यहाँ पर कुछ भी किया हो, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना एक एवरेज बना के रखा है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे हम लोगों ने इनके साथ रहे, क्यों अच्छे साइंग भाई आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारे नोट्स हम लोगों ने एक दूसरे से शेयर किए, नॉलेज शेयर की, सिविल इंजीनियर से भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, इलेक्ट्रिकल से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, और केमिकल से भी हम लोगों ने बहुत सारे पूछे रिएक्शंस वगैरह। केमिकल इंजीनियर में हमने देखा कि यहाँ पे लोग हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर को कितना डिफरेंस किया गया है कि हार्ड वाटर से आपके जो स्टोन होते हैं वो हो जाते हैं वगैरह, ये बहुत सारी नॉलेज की बातें हुई यहाँ। और यहाँ पे मैंने देखा कि इलेक्ट्रिकल, शशांक भाई आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल की रात में क्लासेस वगैरह लोग ले रहे थे, बाकायदा SSC GD की तैयारी यहाँ पे भाई लोग करते हैं वगैरह, हर प्रकार का GD की भी तैयारी करते हैं, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल हर प्रकार की तैयारी का बंदा आपको मिल रहा है। नॉन टेक्निकल भी बहुत जरूरी है, बहुत यहाँ RRBJEE में, यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है। और थैंक यू फॉर मेमोरी के लिए।